तो नमस्कार, तो हम लोग यहाँ पे रात को विश्राम कर रहे थे जयपुर में, और आप देखिए कि गोकुल भाई भट्ट समाधि स्थल दुर्गापुरा में रात को रुके हुए थे, और ये पूरा कैंपस इधर भोजन बनते हुए आपने देखा। और अब हम धरने में जा रहे हैं सारे साथी, तो धरने में गाड़ी से हम जाने वाले हैं, नीचे ऊपर खींच लेंगे हम, तो गाड़ी चालू होगी। और सुबह से सामान जा रहा है, पूरा दिन नया ही पे आज आराम किया। तो सारे साथी तैयार हो गए हैं, गाड़ी चलेंगे तक ड्राइवर साहब नहीं है ना। तो देखिए साथियों, हम सब तैयार हैं। नौरती भाई, सरपंच साहब, पूर्व वो बैठ गए हैं, साथी सब बैठ गए हैं, और तमाम साथी यहाँ से जा चुके हैं। कुछ साथी घर पे गए हैं, और चार दिन का जवाबदेही आंदोलन धरना और चलने वाला है, उसमें भी हम लोगों को भाग लेना है। कुल मिलाकर जवाबदेही कानून कैसे पास हो, उसके लिए हर प्रकार से सरकार पर दबाव बनाना है, उसकी तैयारी चल रही है। तो साथियों, चार दिन और जयपुर में बीतने वाले हैं, और मेरे सभी साथी तैयार हैं। तो सभी साथियों को जिंदाबाद की, सभी ने पूरा पूरा सहयोग किया है। कोई 12 दिन से साथ में है, कोई 13 दिन हो गए हैं, और ये यात्रा लगभग 2016 से ही संघर्ष चल रही है। कहाँ गए फिरोज भाई? फिरोज भाई, अरे चल जा यार। हाँ बताओ, बढ़िया चल रहे हैं, धरने में जा रहे हैं, शहीद मार्ग पे। कैसे कैसे जा रहे हैं? बस ऐसे दौड़ के जाएंगे अभी। आनंद पिकअप का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। लगाया नहीं कार में बेचने वाले, देखो आज डाले में भर के जा रहे हैं। वाह वाह वाह, चलने वाले। तो ये देखो संघर्ष की कहानियां है कि गाड़ियों में चलने वाले, एसी में चलने वाले, आज इसमें भर के जा रहे हैं। लेके आएंगे, क्या बात है, कानून लेके रहेंगे। चलो साथियों चलते हैं। अरे गाड़ी रवाना हो रहा है, बैठ जाओ भाई।